हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर वन, जो कि आपकी जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, उसका आज लेक्चर नंबर वन है, वीडियो वन है। आज हम डिस्कस करेंगे कि संख्याओं के बारे में, जो कि आप पहले से जानते आए हैं, अगर नहीं जानते भी हैं तो जान जाएंगे, अगर जानते हैं तभी जान लीजिए, क्योंकि जानने से ही जान और जान पहचान बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई चीज़ें जानते हैं तो अगर उसमें कुछ जानकारी और ऐड हो जाती है तो आप और बेहतर तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा आपके जो पुराने बच्चे हैं जो क्लास टेंथ में पढ़े हैं, 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, हो सकता है, संभावना है होने की, देखिएगा, क्योंकि एक ही बात बार बार आ रही है कि आपको प्रमोट करने का कोई जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। जो भी बच्चे अभी नाइन्थ में प्रमोट होके गए हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको, हर सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, और 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में आप बेहतर नंबर लाएंगे, ये इसी हम उम्मीद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर हो तो आपको शुरुआत से ही वीडियो देखना पड़ेगा, और लगातार थोड़ा ही चाहिए लेकिन आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। इस वीडियो में कम से कम 300 लाइक होना चाहिए, 300 लाइक, 300 से इससे ज़्यादा ही लाइक होना चाहिए, इससे कम नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें संख्याओं के बारे में आप जानते हैं पहले से, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको जानकारी ना हो। आइए शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए, चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्याएं, वास्तव में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं आप उसकी डिफिनेशन तक अभी आप नहीं पहुँचे हैं, तो उसी तक हम पहुँचाएँगे वास्तविक संख्याओं तक। उसके बाद हम इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं सारी उस हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी को पता है क्या होता है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, इस तरह से डॉट 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 इन्फाइनाइट है। ठीक है, इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से। ठीक है, अभी देखिए, इस सबका काम है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसमें जीरो ऐड कर दें, जीरो वन टू थ्री, ठीक है, फोर फाइव सिक्स डॉट 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 इन्फाइनाइट तक पूर्ण संख्या होंगी। यानी अगर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में देखा जाए तो बस एक का अंतर है, ये जीरो इसमें बढ़ गया है। ठीक है, चलिए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई प्लस और आई माइनस। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों, अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अनअकैडमी लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई और कितनी करनी बाकी है, और साथ में इससे आप अपना रिविजन भी कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उनके साथ यहां पर हजारों स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, यहां पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आप लीडर बोर्ड देख सकते हो कितनी आपकी रैंकिंग चल रही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें अगर टॉप करते हो तो आपको अवार्ड में मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको टेस्ट पैटर्न में समझा दूं, 60 मिनट का ये होगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये हर हफ्ते होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कॉम्बैट का, उसमें आप जाकर इनरोल कर लो और टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, और जैसे ही टेस्ट में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई भी कोड आपसे मांगता है तो shubham@12 यूज करना, आप टेस्ट में तुरंत पार्टिसिपेट बिल्कुल फ्री में कर लो। क्लियर हुआ, पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये आई प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है यहाँ पे -1, ठीक है, -2, -3, -4, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक लिखा जाए, ठीक है, इंटीजर, तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि वो या तो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, तो यानी कि अगर कहीं पे भी पूर्णांक लिखा जाए और उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब है इधर 0, 1, 2, 3, 4, इसके आगे चलता रहेगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चा, -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, इधर पीछे, ये हमारे पूर्णांक है। पूर्णांक में मतलब है कि उसमें धनात्मक
पूर्णांक भी हैं और ऋणात्मक भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी आप सीख सकते हैं, या हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा आसानी समझ सकता है। गणित है, गणित को समझिएगा, रटने का प्रयास मत करिएगा। अगर आप बोर्ड में चाहते हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं बेहतर नंबर लाएं, तो आप रटने पर विश्वास न करें। सम संख्या क्या है? इवेन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। वह संख्या है जो दो से विभाजित हो जाती है वह संख्या है जो दो से विभाजित हो जाती हैं क्या है? सम संख्या, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीरो, जीरो सम संख्या में होगा कि विषम संख्या में? देखिए, जीरो हर एक संख्या से विभाजित है, 2 से, 3 से, 4 से, चाहे जिससे भी कहें। बताइए जीरो क्या है? आपके लिए एक सवाल खड़ा कर दिए हैं कि जीरो को सम संख्या में रखेंगे विषम संख्या में? चलिए बताइए, विषम संख्या क्या है? ऑड नंबर बोलते हैं, वो ऑड नंबर है, ठीक है। वह संख्या है जो दो से विभाजित ना हो, काम खत्म। आप पहले से जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारा जो काम शुरू होगा, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वो यहाँ से शुरू होता है। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, और साथ में लास्ट में रियल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ है और समझना है, समझ के पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा, रट के पढ़ेंगे एक दिन टेंशन से मर जाएंगे। मर जाने का मतलब है कि जैसे एग्ज़ाम आएगा तो रटा रटा सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, काम नहीं आती। वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को लाइक करिएगा, 300 लाइक। देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, पी फॉर प्राइम नंबर। वह संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित होती हैं, एक वन से और एक खुद से, ठीक है। देखिए, विषम संख्या और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है भाज्य संख्याओं में, जैसे क्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्याएं जानने क्या है? 2 है। जैसे हम बात करें, 2 है, 3 है, क्या है, 4 नहीं, 5 है, 6, 7, 7 है, 9 भी नहीं होगा, 8 इसके बाद हो जाएगा, 11 उसके बाद, 13, ठीक है। अच्छा, विषम संख्याएं क्या है भाई? वह संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, दो से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 9 है, क्लियर हुआ, 11 है। तो विषम संख्या और भाज्य संख्या में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत बच्चों को लगता है कि सारी जो विषम संख्या है ना बच्चा, ठीक है, वो सारी की सारी विषम संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, 9 के बारे में सोचिए, 9 जो है हमारा 2 से विभाजित है, नहीं है, इसलिए संख्या क्या हुआ? विषम संख्या हुआ। लेकिन 9 जो है हमारी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? ये तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हो गया भाई, ये अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है, अभाज्य संख्या। चलिए, भाज्य का अगले में बता देंगे। अभाज्य संख्या है वह संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, वह संख्या है जो सिर्फ खुद से विभाजित हो और वन से हो। वन से दुनिया की सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, डिविजिबल होती हैं, और वन खुद से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, वन और खुद से। देखिए बताइए, 2 जो है 2 से डिवाइड होगा और वन से होगा, 3 जो है 3 से विभाजित होगा और वन से होगा, 5 जो है 5 से विभाजित होगा और वन से, इसके अलावा और तीसरी कोई संख्या नहीं है जिससे ये सारी संख्याएं विभाजित हो। देखिए, यहाँ पे जो 9 है, 1 से विभाजित तो है, ये है 9 से है, लेकिन 3 से भी है, इसलिए 9 जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या है, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया बेसिक अंतर? बहुत बढ़िया। तो भाज्य संख्याएं क्या है? ठीक उसी का डिफिनेशन, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। देखिए, दुनिया की हर एक संख्या 2 से, खुद से और 1 से विभाजित तो होती हैं, अगर कोई तीसरी संख्या मिल जाए आपको जिससे वह विभाजित हो, तो वह संख्या तुरंत क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम बात करें 9 की बात करें, तो 9 क्या है? 9 पहली बात तो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह 1 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, और इन दोनों के अलावा एक बीचवा में तीसरी संख्या और मिल जाती है, 3, जिससे विभाजित है, और वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। समझ में आया?
अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे जो चैप्टर हमें पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, रिमाइंड कराना हमारा काम है। अगर आप नाइन्थ में नहीं भी पढ़े हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में फिट कर देंगे हम, और फिट करना मेरा काम है, आपका काम है सिर्फ देखना, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं, रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, और यही सारा का सारा खेल इन्हीं तीनों चीज़ का है, आपकी ये जो क्लास टेंथ में पहला चैप्टर। समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, शाम को आपको वीडियो मिलता रहेगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, सभी बच्चे नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। देखिए बच्चों, जो परिमेय संख्या की डिफिनेशन है, वह हर एक संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाएं, ठीक है, जहां पर कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला नंबर हर में, डिनोमिनेटर में इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, अंश और हर, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन और है, ठीक है, और पी कॉमा क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। देखिएगा, पूर्णांक का मतलब होता है ये डॉट नहीं है, कॉमा है। धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, या दोनों धनात्मक हो सकते हैं, एक ऊपर वाला धनात्मक हो नीचे ऋणात्मक हो सकता है, ऊपर ऋणात्मक हो सकता है नीचे धनात्मक हो सकता है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, बस सत्य पूर्णांक होना चाहिए। क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है बच्चा, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ये हमारा पूर्णांक का कलेक्शन है। तो ये डिफिनेशन है, वो हर एक संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख पाएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है कि ये निचवा वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो हमारा परिमेय संख्या की डिफिनेशन हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी नौवां दसवां हटा देते हैं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या समझ लीजिए। किसी ने कहा, यार ये बताओ कि प्राकृतिक संख्याएं हैं जो नेचुरल नंबर, क्या परिमेय संख्या हैं? चलिए देखा जाए, जो नेचुरल नंबर हैं n 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता जाएंगे। किसी ने कहा, यार जरा बताओ ये क्या परिमेय संख्या है? तो किसी ने कहा है, क्यों? क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इसको लिख सकते हैं 2/1, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। हम गांव से वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आपको कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम भी गांव से ही हैं और शुद्ध एकदम गांव है हमारा, जो गांव की परिभाषा है कि सुबह अभी भी मुर्गा बोलते हैं तब भी हम जागते हैं, या नमाज हो जाती है, हम अलार्म से कभी नहीं जागे, ठीक है, अलार्म लगा के हम जागते हैं, मुझे बहुत इरिटेटिंग होता है। तो क्या सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं हमारे क्या हैं? क्या है बच्चा? परिमेय संख्याएं, क्योंकि हम उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे हमारा जीरो नहीं है। क्या पूर्ण संख्याएं हमारा? पूर्ण संख्याएं यानी जीरो, ठीक है, डब्लू जीरो, तो जीरो को लिख सकते हैं 0/1, इसको 1/1, 2/1। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जीरो परिमेय संख्याएं हैं? हाँ है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है, ठीक है। कहीं पे भी कहीं लिखा है कि ऊपर वाला यानी हर अंश में जीरो नहीं होगा? नहीं कहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी हर में, यानी कि जो जीरो है बच्चा, जीरो को हम लोग लिख पा रहे हैं 0/1, लिख सकते हैं एकदम। वो हर एक संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। आपको ये बात समझ में आ गई हो, इस बात के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कन्फ्यूज़न क्लियर करना ये मेरा काम है, आपका बस इतना ही दायित्व है कि आप ध्यानपूर्वक 20 से 25 मिनट देखें वीडियो को, पूरा देखें। किसी ने कहा, यार तो ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, तो जितने भी जो पूर्णांक है ना बच्चा, चाहे ऋणात्मक धनात्मक, ये सारे सारे के सारे हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। किसी ने कहा, यार -2 बताओ क्या है,
परमेय संख्या है कि नहीं? एकदम है। माइनस टू को लिख सकते हैं क्या? माइनस टू बाई वन हो गया, जो कि पी बाई क्यू के रूप में है। पी और क्यू चाहे धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो इससे मतलब नहीं है, पूर्णांक होने चाहिए, बस ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी माइनस टू बाई वन हमारा क्या हो गया? एक हमारा क्या है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या बहुत बड़ा कलेक्शन है, इसके अंदर सब कुछ ढुका हुआ है, ठीक है। सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या भी हमारी क्या है? परमेय संख्या है। क्यों भाई? टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, ये क्या है? सम संख्या है। और टू को क्या कर सकते हैं? टू बाई वन लिख सकते हैं, फोर बाई वन लिख सकते हैं, सिक्स बाई वन लिख सकते हैं, एट बाई वन लिखते जाइए। सारी की सारी जो सम संख्याएं हैं वो क्या है? परमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है। समझ में आया? कोई डाउट हो, कोई दुख तकलीफ परेशानी, कोई दुविधा हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, शरमाइएगा मत, ठीक है। सारे बच्चों का हम जवाब देंगे। विषम संख्याएं, सारी की सारी विषम संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्याएं, यानी सबको नीचे वन वन लगा देंगे, काम हो जाएगा। सारी की सारी अभाज्य संख्याएं भी परमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी भाज्य संख्याएं भी परमेय संख्याएं हैं। यानी कि अगर ये सारी की सारी संख्याएं इसी में डाल दिया जाए, परमेय संख्या में, यानी परमेय संख्याएं अगर हम कह दें तो बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप क्लास एलेवेंथ में जाएंगे। क्यू द मतलब यानी कि परमेय संख्याओं को समझें। क्यों? ये सारी की सारी संख्याएं, आप जितना संख्याएं आप जान रहे हैं ना, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्याएं, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ नहीं है ये परमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आ गया? चलिए आइए अब डिफिनेशन समझते हैं। अपरमेय संख्या है, उसके बाद क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। अपरमेय संख्या, चलिए अगर साफ साफ शब्दों में हम कहें तो परमेय संख्याएं जो हैं सारी की सारी, एक परमेय संख्या का एक झोला ले लीजिए, ठीक है। झोला में डाल दीजिए सारी की सारी नेचुरल नंबर। जैसे क्या है ना कि आप सब्जी मार्केट कभी जाते होंगे, सब्जी उब्जी खरीदने, तो उसी झोला में क्या है? आलू है, बैंगन है, परवल है, टमाटर है, जितनी भी हरी सब्जी डाल देते हैं। तो ये भैया नेचुरल नंबर, ठीक है, परमेय संख्या है। होल नंबर परमेय संख्या है, ठीक है। इवेन नंबर परमेय संख्या है। ऑड नंबर, ठीक है, ओ फॉर ऑड नंबर यानी विषम संख्या भी परमेय संख्या है। क्या है बच्चा? यहाँ पे इंटीजर भी हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर में भी दो प्रकार का है, आई प्लस और आई माइनस, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इवेन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, पी फॉर प्राइम नंबर। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? समझ में आ रहा है? और कौन संख्याएं थी? सब का सब ये क्या है बच्चा? परमेय संख्या है। तो साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? हमारे परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक है, वो क्या है? परमेय संख्या है। प्रत्येक इवेन नंबर यानी सम संख्या, प्रत्येक विषम संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या है, प्रत्येक ये सब क्या है? हमारे परमेय संख्या है। रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर। आइए इरेशनल नंबर थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। चलिए अपरमेय संख्या की डिफिनेशन समझना जरूरी है। और डिफिनेशन देखिए समझिए, अभी भी कुछ वैसा आप जा नहीं रहा है, आपका परीक्षा है नहीं 2022 में, अभी एक साल बाद होगा। और बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि अरे टाइम टेबल आएगा तो पढ़ा ना जाएगा, कौन सा बहुत, अभी बस जी लें। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सोचना भी ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना ही है, जीवन का पहला स्टेप होता है, जीवन की पहली सीढ़ी होती है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, जो डिसाइड करता है कि आप किस ऊँचाई तक जाएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो थोड़ा शुरू से ही पढ़ना। अपरमेय संख्या, जो परमेय संख्या की डिफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है वो अपरमेय संख्या है। यानी वो हर एक संख्या जिसे कि p बाई क्यू के रूप में न लिख पाया जाए। अगर x को आप कह रहे हैं कि अपरमेय संख्या है तो इसका मतलब आप उसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर p एवं, ठीक, उसी का डिफिनेशन p एवं q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जैसे पूर्णांक बोलें, धनात्मक चाहे ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, एवं, ठीक है, एवं क्या है? q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी x को अगर आप कह रहे हैं कि अपरमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि वह p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती और q नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे यानी कि, अच्छा ये बताइए, जीरो
4/0 किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते हैं कितना बचता है, सभी लोग बचाएं बताएं फटाफट कमेंट करके बताएं कितना बचता है। वीडियो पसंद आ रहा लाइक करिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हम नहीं लेंगे पर इतना भी कम ना हो कि आपको कोई चीज़ें जो पूरा जो भी चीज़ें शुरू करें वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है और अभी वास्तविक संख्या पे हम पहुँचे ही नहीं, अभी इधर फंसे हैं। तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं बच्चा इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट हमारा जो है अपरिमेय संख्या के रूप में लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है, नीचे जीरो हो जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई भी संख्या जैसे अंडर रूट 2 है, ठीक है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 11 है, अगर किसी ने कहा अरे लो यार अंडर रूट 9 भी है, देखिए अंडर रूट 9 एक्चुअली में देखा जाए तो ये 3 है, ठीक है, तो अंडर रूट 9 परिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर कहलाएंगे और परिमेय संख्या कहलाएंगे। किसी ने कहा अरे यार क्या बात कर रहे हो, अंडर रूट 2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2/1। चलिए आपने सही कहा, लिख लिए, जहाँ p बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं है, लेकिन ऊपर जो है अंडर रूट 2 हमारी जो डिफिनेशन है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, यानी अंडर रूट 2 का मान अगर आप निकालेंगे तो 1.414 के आसपास आता है बच्चा, ठीक है, और ये 1.414 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, डिफिनेशन ये p और q पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्णांक का मतलब होता है इसमें दशमलव वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, नीचवा तो 1 है लेकिन ऊपरा क्या है ये पूर्णांक नहीं है, p वाला हमारा पूर्णांक नहीं है, q पूर्णांक है, इसीलिए हमारा अंडर रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 7 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 11 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान क्या है 3 होता है, और 3 को लिख सकते हैं क्या 3/1 जो कि पी बाई क्यू के रूप में है। अंडर रूट 16 के बारे में बताइए, अंडर रूट 16 अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय, अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, 4 को लिख सकते हैं 4/1 जो कि पी बाई क्यू के रूप में है, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक है ना 4 और 1 पूर्णांक है धनात्मक, तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया, वो हर एक संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, एनी नंबर विच कैन बी विच कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए उसके बाद आखिरी आता है दसवां, वास्तविक संख्याएं, जो कि आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तव में आप अब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या है, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनेशन देखें, चलिए वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर, इसकी कोई अपनी डिफिनेशन नहीं है, सारे परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्या आप देखें कितनी बड़ी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याओं के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं सारी थी, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी ये जो अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इस तरह से ये सारी जो संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या है वो, और ये क्या था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या थी ना, यानी ये सारी संख्याओं को हम एक जगह रख लें, ठीक है, ये सारी संख्याओं के एक साथ हम रख लें, ये कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याओं में सारी की सारी संख्याएं हैं। कोई पूछे कि बच्चा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या है कि नहीं है, होल नंबर यानी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हैं कि नहीं है, सम संख्या वास्तविक संख्याएं हैं कि नहीं है, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, बकरी बोल रही है इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए खाली, विषम संख्या वास्तविक संख्याएं कि नहीं है, और ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 सारी की सारी विषम संख्याएं, ठीक है, उनकी आवाज भी बहुत इरिटेटिंग होती है एक तो जैसा, चलिए क्या करना है, थोड़ा एडजस्ट करिए, आपको 14-15 दिन में जैसे हम लोग बना जाएंगे वैसे आपको बहुत प्रॉपर वे में वीडियो मिलेगा, ठीक है। आज का सेशन, आज का लेक्चर कैसा लगा, कल हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक नंबर है और एक संख्या को दूसरे संख्या से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे Q और यहाँ पे जो R आता है
क्वेश्चन यानी भागफल, आर मतलब रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य और भाजक गुणनफल में क्या आपस में संबंध होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम समझेंगे, और साथ में कई चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बच्चे 2021 में हैं उनका पेपर नहीं हुआ है और उनका ये चैप्टर क्लियर नहीं है, वो जो है वो भी देखें और शुरुआत से क्लियर करते हैं जाएं, ठीक है। और जितना भी पुराने वीडियोस हमने दिए हैं वहाँ पे आप जाके देखें, आराम से देखें, खूब बढ़िया से देखें और पूरे अच्छे तरह से तैयारी करें, समय आपको पर्याप्त मिल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कैसा सेशन लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुभम क्लासेस 9,11,000 छात्रों का भरोसा जीता है, तो आपका भी जीतेगा अपनी मेहनत से, और आप भी अपने मेहनत से अपने परिवार का, अपने अपने गांव का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, यही हमारे शब्द की कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।